जैसी बढ़ते हैं, इस ये क्या कारण है, इसके बढ़ने के क्या कारण? जैसे हम लोग कोई भी प्रोटीन खाते हैं तो उसका एक ब्रेक डाउन यूनिट है यूरिक एसिड। ये जैसे हमारे ब्लड है बॉडी में 5 लीटर, इतने ब्लड में 2 to 7 मिलीग्राम यूरिक एसिड हो सकता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये नेचुरली अपने कहीं पर भी ये जाके सेटल करता है, अपने डिपेंडेंट पार्ट पे सेटल करेगा। तो जहाँ सेटल करेगा तो इसके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं और वहाँ पर जा कर के इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ट्रॉमा करते हैं, इंजरी करते हैं कार्टिलेजेस पे, तो वहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन के कारण पेन होता है। यूजुअली पैर के सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, तो पैर के अंगूठे के पास ये जमा हो जाता है और इतना पेनफुल होता है कि पंखे का हवा तक आप नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसको हम लोग गाउट कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग कहते हैं कि कोई रेड मीट नहीं खाना चाहिए, जैसे प्रोटीन युक्त जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है वो अधिक खा रहे हैं और इधर किडनी से हमारा प्रोटीन नहीं निकल रहा है तो यूरिक एसिड का मात्रा अधिक हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं और नॉर्मल निकल रहा है तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा। गाढ़ा दाल हो गया, पालक हो गया, टमाटर हो गया, इस सब तरह का कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, चुकंदर है, ये सबसे यूरिक एसिड बढ़ता है। हम लोग रेगुलर पानी खूब पिए और मात्रा में, सही मात्रा में खाएं, और अगर ऐसा पेन महसूस होता है तो अगर यूरिक एसिड का जांच करा लेंगे तो पता चलेगा और फिर इसको इलाज का, इसका तरीका है, इलाज करने से ये यूरिक एसिड कम होगा और सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। क्या इसमें ऑपरेशन की भी नौबत आती है? यूजुअली तो यूरिक एसिड में ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई जॉइंट बहुत पेनफुल हो गया तो उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं ऑपरेशन करके, उस जॉइंट में मूवमेंट कम कर देते हैं, तो मूवमेंट कम करने से उसमें पेन ख़त्म हो जाता है। और ऐसे कोई रेगुलर ऑपरेशंस की चीज़ नहीं होती है, हम लोग इसको दवा से, प्रिकॉशन से इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। जैसे बात करें कि थेरेपी की, तो थेरेपी क्या देनी चाहिए इस जब किसी को आर्थराइटिस है? देखिए फिजियोथेरेपिस्ट लोग के पास जाएंगे तो वहाँ पे इसके क्वाड्रिसेप्स का एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज बताएंगे वो लोग, हर एक मसल्स का एक्सरसाइज, मसल्स को स्ट्रेंथन करना। और वो कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग शॉर्ट वेव डायथर्मी देते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासोनिक, ये सब चीज़ देने से हम लोग इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और ये थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट लोग करके इसमें दर्द में आराम दिला देते हैं। अगर बात करें कि अर्थराइटिस अगर किसी को है तो क्या इसे खत्म, जड़ से खत्म किया जा सकता है? हाँ देखिए, अगर शुरुआती स्टेज में पता चल गया कि हाँ हमारा जॉइंट खराब हो रहा है तो हम लोग रेगुलर वे में एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वो चीज़ वहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो पेनफुल नहीं होगा। और अगर हम उसको इग्नोर करते चले जाएंगे तो उसकी डिजेनरेटिव प्रोसेस ये होगी। हम लोग विटामिन डी देख लेंगे, कैल्शियम देख लेंगे और तब इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। और भी बहुत सा इलाज है, जैसे इसमें हम लोग साइनोवियल फ्लूइड जैसा मटेरियल होता है, विस्को सप्लीमेंट, वो इंजेक्ट करके जॉइंट में डालते हैं तो एक लुब्रिकेंट का काम करता है और उसके घिसने के प्रोसेस को वो डिलेड कर देता है। तो वो भी इलाज से हम लोग, बहुत सा कार्टिलेज रीजनरेटर्स है जिसको खाने से हम लोग इसमें आराम मिल जाता है। और तो इस तरह से नटसेल में एक्सरसाइज और एक्सरसाइज, ये बहुत ही अच्छा तरीका है इलाज करने का, घुटने और ये सब एक्सरसाइज करना।